हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाले चैप्टर में 13.1 प्रश्नावली के बचे हुए क्वेश्चंस कंप्लीट करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे, अब जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं 6, 7, 8, 9 ये कंप्लीट करने वाले हैं। काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि उसके बाद आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और लर्न एंड शेयर की एप्लीकेशन आ गई है, आप लोगों को पता है, नोट्स और वीडियोस के लिए आप वो एप्लीकेशन यूज ले सकते हैं। तीनों सब्जेक्ट्स के नोट्स इजीली अवेलेबल है वहां पर, कलरफुल नोट्स हैं, एकदम हैंड रिटन नोट्स हैं, आपको मजा आ जाएगा पढ़ने में। तो वहां पर जाएं, एप्लीकेशन डाउनलोड करें लर्न एंड शेयर के नाम से, नहीं मिल रही है तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा आपको, और टेस्ट भी आपका वहीं पर होगा, हर संडे को टेस्ट होता है, पता है आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। छठा क्वेश्चन है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है इसका। क्या सिचुएशन है? सिचुएशन यह है कि जैसे ये एक बेलन है, ये एक बेलन है, इधर अर्धगोला लगाया, इधर भी अर्धगोला लगाया और ये कैप्सूल जैसा बन गया। कैप्सूल देखे हैं आप लोगों ने, दवाई के कैप्सूल होते हैं इस तरह के होते हैं कि भाई इस तरफ आधा गोला लगा दिया और इस तरफ अर्धगोला लगा दिया, छोटा सा है एकदम, इतना सा कैप्सूल है, डायग्राम ये मॉडल बड़ा है अपना, बस इधर लगा दिया और इधर भी लगा दिया, दोनों तरफ इस तरह से आधा गोला लगा दिया और उससे वो कैप्सूल बना हुआ है और उस कैप्सूल के लिए हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए डेटा सारा सामने दे रखा है, डायग्राम बुक में बनाया हुआ था, इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। थोड़ा ध्यान देंगे इसमें कैसे निकालेंगे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर हमारे पास इस तरह से अर्धगोला है, सॉरी इस तरह से बेलन है और इस तरफ अर्धगोला लगा हुआ है और इस तरफ भी अर्धगोला लगा हुआ है, तो हम पहले तो बेलन का ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद इस तरफ वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। उसके बाद इस तरफ जो अर्धगोला लगा हुआ है, जैसे मान लो ये इधर ही लगा दिया, तो इसका भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्या क्या होगा? एक तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, केवल वक्र वाला, संपूर्ण की जरूरत नहीं है, इधर कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं है, केवल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके अलावा ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहां तक कंप्लीट पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा। तो मैं शुरू करता हूं, देखो ध्यान से, आप लिखोगे कि भाई पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना मिलेगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को मिलने वाला है, एक तो ये जो बेलन है, कहां से कहां तक है बेलन, यहां से लेकर के, अगर मैं इसको यूं बनाऊं ना प्रॉपर, तो ये अर्धगोला इस तरफ है और एक अर्धगोला इस तरफ है, ये अर्धगोला है दूसरा, और ये चाहो तो मिटा दो, ये लाइन का कोई मतलब नहीं है, ये पूरा बेलन है यहाँ से यहाँ तक, और ये अर्धगोला है, ये अर्धगोला है। तो आप यहाँ लिखोगे कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में वापस से अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, दोनों बार यही लिखना है, ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? बहुत सारे क्वेश्चंस में अपन ने यूज लिया है, आपको याद हो गया होगा, 2πRH होता है ये, ठीक है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? ये तो हर क्वेश्चन में आया है, ये होता है 2πR² और फिर से 2πR², क्लियर। अब यहां पर ज्यादा से ज्यादा आप कॉमन ले सकते हो, कॉमन लेने से भी पहले एक काम करो, ये 2πR² और 2πR² को जोड़ लो ताकि ये 4πR² हो जाए, तो ये हो जाएगा 2πRH प्लस में 4πR² और यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, पाई कॉमन आ जाएगा, R कॉमन आ जाएगा, कितना बनेगा, यहां से तो बनेगा H और प्लस में यहां से 2 बाहर ले लिया तो ये 2 हो गया, पाई बाहर ले लिया, एक R बाहर ले लिया तो एक R और बच गया, यहां बस मान रखना है और काम खत्म। अब मान क्या रखें वो इस डायग्राम में शांति से देखते हैं। देखो ध्यान से, व्यास कितना दिया हुआ है? व्यास दिया हुआ है 5 मिलीमीटर, ये बहुत छोटा सा ही होता है तो मिलीमीटर में ही आएगा व्यास, तो सेंटीमीटर में नहीं पहुंचेगा, तो 5 मिलीमीटर व्यास है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? R बराबर 5/2 मिलीमीटर, ये इसकी त्रिज्या हो गई, ठीक है। 5/2 को चाहो तो कैलकुलेट कर लो आप,
पांच बटे दो को आप क्या लिख सकते हो, 2.5 मिलीमीटर, ये इसकी त्रिज्या आ गई। अब थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, यहां से लेकर के त्रिज्या का मतलब यहां तक का पोर्शन या यहां तक का पोर्शन या यहां तक का पोर्शन, जो भी बोलो वो त्रिज्या होती है। भाई यहां से यहां तक बोल दो ये तो सेंटर है, यहां से यहां तक भी त्रिज्या ही है, यहां से यहां तक भी त्रिज्या ही है, इस पॉइंट से कहीं भी मिलाओ सब जगह त्रिज्या ही है वो, और त्रिज्या कितनी है 2.5 मिलीमीटर। तो इसका मतलब ये हिस्सा 2.5 मिलीमीटर है और सेम टू सेम ये हिस्सा भी 2.5 मिलीमीटर है, क्योंकि ये भी त्रिज्या ही है। आप ये त्रिज्या मान लो या ये मान लो, बराबर ही है वो। वो डायग्राम थोड़ा सा और यूं बनता, बाकी ये बराबर है। ठीक है, तो 2.5 यहां से, 2.5 यहां से, ये टोटल हो गई 2.5 और 2.5 मिलके 5, और वो 5 आप इस 14 में से घटाओगे तो 9 मिलीमीटर आ जाएगा, जो इस बेलन की ऊंचाई मानी जाएगी। भाई यहां से ढाई हटा दिया, यहां से ढाई हटा दिया, ढाई और ढाई 5 हटा दिया, किसमें से 14 में से 5 हटा दिया, 14 में से 5 हटाओगे तो कितना बचेगा 9, तो इतना हिस्सा 9 मिलीमीटर है, और वो भी क्या है, ये इस तरह से लेटा हुआ है, यूं है कैप्सूल, यूं लेटा हुआ है। अगर इसको सीधा करोगे तो यही ऊंचाई है ना, ये कितना है, ये 9 देख रहा है, इसी को यूं करोगे यही ऊंचाई मानी जाती है बेलन की, तो ये बेलन की ऊंचाई है एक्चुअली। तो ये h का मान हो गया एक तरीके से, h बराबर 9 मिलीमीटर है और r बराबर 2.5 मिलीमीटर है। रखो और आंसर निकालो, खत्म काम, इतना ही काम था, बहुत आसान क्वेश्चन है। मैं शुरू करता हूं आगे का काम, तो ये हो जाएगा 2 गुणा पाई का मतलब 22/7 गुणा आर का मतलब 2.5 गुणा एच का मतलब 9 प्लस में 2 गुणा आर, तो 2 गुणा आर का मतलब 2.5 है। क्लियर है यहां तक? अब ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है 2 गुणा 22/7 गुणा 2.5 गुणा 9, और ये 2.5 का दोगुना होता है 5, तो ये फाइनल आएगा 2 गुणा 22/7 गुणा 2.5 गुणा 14 और ये कट रहा है साफ साफ, 7 × 14 तुरंत कट रहा है, बहुत छोटी सी कैलकुलेशन बची हुई है। ये आ जाएगा फाइनल हमारा 2.5 और 2 मिलके 5 हो जाएंगे, 5 × 10 हो जाएगा 220, इतना सिंपल 220 मिलीमीटर स्क्वायर। जो यहां पर आपको यूनिट दे रखी है, जो इकाई दे रखी है, उसी का स्क्वायर करना है। सेंटीमीटर दे रखा होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर दे रखा है तो मिलीमीटर स्क्वायर, उसके हिसाब से काम करना है। तो 220 मिलीमीटर स्क्वायर इस कैप्सूल का, इस दवाई के कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल आया। क्लियर है? मेरे ख्याल से बहुत छोटी कैलकुलेशन थी, आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओ ना, डायग्राम में दिमाग लगाना है सबसे ज्यादा, हमेशा ध्यान रखें हर क्वेश्चन में आपको डायग्राम में दिमाग लगाना पड़ेगा। डायग्राम अगर आप क्लियर कर पाओ कि आर कितना है, एच कितना है, शंकु की बात है तो एल कितना है, ये सब अगर आप निकाल पाओगे तो फिर कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपको आंसर निकालने में। बहुत छोटी सी कैलकुलेशन है ज्यादातर क्वेश्चन में। नेक्स्ट आते हैं 7th नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 7वां क्वेश्चन है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है, बेलन के आकार का सिंपल एक तंबू है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, उसके ऊपर शंकु है। मैं डायग्राम बना देता हूं साथ के साथ तो आपको बेटर समझ में आएगा। एक बेलन है सिंपल, ये बेलन के आकार बना दिया और उसके ऊपर शंकु है, ये सिंपल हमने शंकु ले लिया उसके ऊपर में, ये हम यूं ले लेते हैं, ये बेलन है अपना और ये हमारा शंकु है। आगे पढ़ते हैं, आगे इसने बोला कि यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर हैं तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तिर्यक ऊंचाई दे दी तो आधा काम तो वैसे ही खत्म कर दिया शंकु में, शंकु में तिर्यक ऊंचाई निकालने का काम एक बड़ा काम होता है वरना। चलो शुरू करते हैं, देखो इसने क्या क्या दिया है। एक तो दिया है कि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, ऊंचाई है 2.1 मीटर, ये इसकी ऊंचाई है, और इसका व्यास, व्यास है 4 मीटर, ये 4 मीटर है व्यास, मतलब ये पूरा, त्रिज्या हम निकाल लेंगे बाद में लेकिन फिलहाल व्यास दिया हुआ है। आगे क्या दिया हुआ है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तिर्यक ऊंचाई का मतलब यू टेढ़ी, ये कितनी है, ये है 2.8 मीटर। ठीक है, काम तो आसान नहीं हुआ, ऊंचाई नहीं थी क्योंकि अभी तक, तो एक काम तो बचा ही दिया इसने। चलो आगे देखते हैं,
तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैनवास मतलब जो कपड़ा, इस तंबू को बनाने में जो कपड़ा लगेगा, भाई कपड़ा किस तरह का लगेगा कि हम इस तरह से बेलनाकार कुछ बनाना चाह रहे हैं, तो यूं एक तो कपड़ा लगेगा चारों तरफ इसके। उसके अलावा जैसे ये शंकु है, ये इसके ऊपर लगाना चाह रहे हैं, इस तरह का डायग्राम है, बेलन और उसके ऊपर शंकु, ये है सीन। तो कहाँ कहाँ कैनवास लगेगा, कपड़ा लगेगा, तो चारों तरफ लगेगा, एक यूं छत पे लगेगा, नीचे जमीन पे तो लगाने की जरूरत है नहीं क्योंकि ये तंबू तो यूं खड़ा रहेगा, तो यहाँ कपड़ा लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या क्या काम आ रहा है हमारे पास, हमारे पास सिर्फ काम आएगा एक तो इस बेलन का वक्र पृष्ठ, चारों तरफ संपूर्ण पृष्ठ की जरूरत नहीं है, नीचे कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल तंबू रखा रहेगा। और ये जो शंकु है इसका वक्र पृष्ठ, इसका भी संपूर्ण पृष्ठ लगाने की जरूरत नहीं है तंबू में भी, क्योंकि यहां से भी खुला रहेगा, यहां तक कपड़ा रहेगा पूरा का पूरा। दो चीजें यहां पर चाहिए हमारे को, एक तो इस बेलन का वक्र पृष्ठ और एक इस शंकु का वक्र पृष्ठ। मैं यहां पर लिखता हूं पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, फिर उसने खर्चा वर्चा पूछा है, मैं एक बार पूरा पढ़ देता हूं इसका। इसने बोला है कि भाई कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, साथ ही 500 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। लागत हम बाद में निकालेंगे, फिलहाल क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। लागत का काम 2 मिनट का है, लास्ट में 2-3 लाइन में लागत निकल जाएगी, ठीक है। तो पहला काम क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा, यह आएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस प्लस इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ज्यादातर केस में वक्र वाला ही काम आ रहा है, संपूर्ण वाला बहुत कम जगह काम आ रहा है, ठीक है। तो एक कैनवास का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, मैं लिख भी देता हूं पहले, कैनवास का पृष्ठीय क्षेत्रफल है कितना, ये इतना। अब इसका मान, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, यह होता है 2πRh, बहुत जगह इस्तेमाल लिया है हमने। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, यह होता है πRL, सिंपल में। अब आप इसमें कैलकुलेशन करने से पहले कुछ कॉमन ले लो, जो कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है एक तो पाई, एक कॉमन आ रहा है आर, बचा क्या अंदर, यहां 2h बचा और प्लस में इधर एल बचा, तो यह बन जाएगा 22/7 गुणा आर, मतलब आर मतलब त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है 4 मीटर, यहां पर व्यास है, तो आर 4 मीटर का आधा 2 मीटर, ये त्रिज्या हो जाएगी, 2 मीटर इसकी त्रिज्या हो गई, क्योंकि व्यास 4 मीटर दे रखा है, तो व्यास का आधा त्रिज्या होती है, तो 2 मीटर यहां पर लिखोगे आर का मान, अंदर गुणा में क्या चल रहा है ब्रैकेट में 2h, तो 2 गुणा h कितना है 2.1, 2.1 यहां पर लिखा, प्लस में L कितना है, L त्रियक ऊंचाई है, त्रियक ऊंचाई 2.8 है, ये है L, आप चाहो तो यहां लिख लो, L का मान है 2.8 मीटर और H का मान है यहां पर 2.1 मीटर, क्योंकि हमने R तो लिखा ही है, तो तीनों चीजें हमने पहले ही लिख ली, अब यहां मान रख रहे हैं बस, तो 2.8 मीटर, 2.8 मीटर त्रियक ऊंचाई, ये टेढ़ी वाली हाइट, यू इसको बोलते हैं त्रियक ऊंचाई। कितना बनेगा, बहुत आसान सी कैलकुलेशन है, ज्यादा कुछ नहीं है, ये गुणा में 2 चल रहा है, इधर देखो 21 × 42, तो 4.2 ये हो गया, प्लस में 2.8 ये चल रहा है, कितना हो जाएगा 22/7 गुणा 2 गुणा 4.2 और 2.8 को जोड़ोगे तो 7 आएगा एग्जैक्ट, और 7 से 7 डायरेक्ट कट गया, इतनी आसान कैलकुलेशन हो गई कि 22 × 2 सीधा की सीधा आंसर आ जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। ये कैनवास का क्षेत्रफल आ गया हमारा, पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, कैनवास का क्षेत्रफल आ गया। तो इस क्षेत्रफल में कितना हमारा पैसा लगेगा वो भी आ जाएगा। क्या बोला है, क्वेश्चन पढ़ो वापस से, लास्ट लाइन पढ़ो कि साथ ही 500 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से लागत बतानी है, कितनी आएगी, मतलब 1 मीटर स्क्वायर के 500 रुपए लगेंगे, तो 44 मीटर स्क्वायर के कितने लगेंगे, इतने से गुणा कर दो उसको, सिंपल काम है। तो आप लिखोगे यहां पर कुल लागत, कैनवास को बनाने में लगी कुल लागत कितनी आएगी, वो आएगी 44 × 500 सीधा, ठीक है, ये आएगा 22,000 रुपए, रुपए का साइन ही लगा देता हूं मैं आगे, 22,000 रुपए कुल लागत आएगी
अगर 44 मीटर स्क्वायर कैनवास बनाना है तो ये है कैलकुलेशन इसकी। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, अपने को बोला था कि 500 रुपए लगते हैं 1 मीटर स्क्वायर के, तो 44 मीटर स्क्वायर के कितने लगेंगे, 500 × 44 वो आ गया 22,000 रुपए, इतना कॉस्ट आएगा टोटल कैनवास बनाने का। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बस ये चीज नई थी इसमें जो अभी तक किसी भी क्वेश्चन में आई नहीं थी कि लागत कैसे निकालें, वो तो एक लाइन का काम है अपना, ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। आप मेन चीज ये ध्यान रखा करो, जब भी इस तरह का काम करो तो कॉमन जरूर लिया करो, उससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है। अगर आप इसको अलग से कैलकुलेट करते, इसको अलग से कैलकुलेट करते तो बहुत लंबा निकल जाता, कैलकुलेशन बड़ी हो जाती, मुश्किल आती अपने को कंपैरेटिवली। ठीक है, हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, 8th वाला। देखो क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। इस सिचुएशन को पहले समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि एक बेलन है, खोखला नहीं है, पूरा भरा हुआ है, एकदम पैक है दोनों तरफ से, एकदम अंदर भी सब कुछ भरा हुआ है, ठोस है बेलन एकदम। जैसे मान लो लकड़ी का टुकड़ा है, किसी पेड़ का तना है जो गोल गोल यूं रखा हुआ है। अब क्या किया, यहां पर खड्डा किया, यहां पर खड्डा करते जा रहे हैं, खड्डा करते जा रहे हैं और बेलन बना दे रहे हैं, एक मतलब इस तरह का सिचुएशन बना देना है। खड्डा कर करके हमने इस तरह का खड्डा कर दिया उसमें अंदर, यूं इस तरह का खड्डा कर दिया कि ऊपर से तो बड़ा और अंदर जाते 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 बेलन जैसा शेप हो गया उसका। तो अगर इस तरह का खड्डा हम कर दिए उसमें, तो फिर अब हमें बताना है कि ये जो आकृति बची, शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो ठोस है इतना तो आपने बाहर निकाल दिया, जो ये शंकु अंदर गया है, ये शंकु अंदर गया उसके, मतलब इतना ठोस आपने बाहर निकाल दिया। अब कितना बचा, कितना बचा, एक तो बचा ये बाउंड्री चारों तरफ की, आपको इस तरफ दिखाता हूं कितना बचा, ये जो चीजें ये भी तो भरी है ठोस से ही एक तरीके से, तो ये ठोस भी बचा हुआ है। तो आपको यहां से शंकु जो दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है आपको, आपको एक तो बेलन दिख रहा है उसका वक्र पृष्ठ दिख रहा है, और एक शंकु दिख रहा है अंदर की तरफ घुसा हुआ उसका वक्र पृष्ठ दिख रहा है। तो क्या क्या क्षेत्रफल आपको दिख रहा है, दो चीजें आपको दिख रही है, एक तो बेलन का वक्र पृष्ठ और एक शंकु का वक्र पृष्ठ। तो इन दोनों का क्षेत्रफल आपको टोटल करना होगा, तो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। दो चीजें आप यूं देखो, ये एकदम भरा हुआ है, एक बार के लिए मान लो, फिलहाल तो ये खाली है, लेकिन यहां पर भरा हुआ एकदम ठोस है, खड्डा किया और खड्डा इस तरह से हो गया, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल तो बढ़ गया ना, इतना बड़ा पृष्ठ हमें दिख रहा है। पहले कितना दिख रहा था, पहले केवल इतना दिख रहा था और चारों तरफ से पैक था, अब कितना दिख रहा है, अब ये पूरा दिख रहा है और साथ में इस तरह का खड्डा उसके अंदर दिख रहा है। तो ये हिस्सा, ये जो क्षेत्रफल दिख रहा है, ये भी उसके अंदर नजर आ रहा है हमारे को। तो जो नजर आता है ना, उसी को पृष्ठीय क्षेत्रफल में काउंट कर लेते हैं हम लोग, या जिसको हम छू सकते हैं ना, वही हमारे लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल काउंट हो जाता है। तो ये दो चीजें यहां पर काउंट होंगी, एक तो आप लिखोगे कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और एक शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। मैं एक बार डायग्राम बना देता हूं, और एक खास बात बताना भूल गया मैं इसमें, सॉरी, एक छोटी सी बात और, इतना ही काम नहीं होगा, काम यह भी होगा कि नीचे से बेलन एकदम बंद है, शंकु कहां से काटा है, ऊपर से काटा है, तो नीचे से बेलन बंद है, तो बेलन के वक्र पृष्ठ तो लेंगे ही लेंगे, साथ में इस शंकु का वक्र पृष्ठ आप लोगे ही लोगे जो उसके अंदर शेप दिख रही है, साथ में क्योंकि बेलन ठोस था, ऊपर से तो आपने खोद दिया, नीचे लेकिन एज इट इज उसके यूं लगी हुई है, ये तो ठोस है, तो आपको इस वृत्त का क्षेत्रफल भी लेना पड़ेगा। क्या क्या चीजें हो गई, तीन चीजें हो गई, एक तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, साथ में वो जो शंकु अंदर खोदा है आपने, खोद करके निकाला है, इसमें खड्डा करके निकाला है, वो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तीसरा, ये जो बेलन के एक साइड अभी तक नहीं खोदा गया है, बेलन ठोस था और एक साइड आपने नहीं खोदा है, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल भी काउंट किया जाएगा। तो तीन चीजें यहां पर काउंट करने को हो जाएगी। मैं यहां पर लिखना शुरू करता हूं, उससे पहले डायग्राम बना देता हूं एक बार, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। एग्जाम में डायग्राम जरूर बनाना है आपको, पेंसिल से जरूर से बनाना है, मतलब डायग्राम एकदम। ये है अपना बेलन और ये ठोस बेलन है, तो मैं इसको यूं ले लेता हूं, सीधी लाइन एकदम ठोस है, सीधी लाइन ले ली, और यहां से हमने एक खड्डा किया और बेलन के आकार का खड्डा किया, शंकु के आकार का खड्डा किया, और ये हिस्सा बाहर निकाल दिया, ये हिस्सा अभी भी है इसके अंदर, ये ठोस बचा हुआ है इसके अंदर। तो हमें किस किस का निकालना है, हमें लिखना है शेष बटे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शेष बचे
ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना लिखोगे आप? वो लिखोगे आप तो एक तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो ऊपर से दिख रहा है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में वो जो नीचे वृत्त बच गया, एक बेलन की एक साइड ही खुली है दूसरी बंद है, तो इसका भी क्षेत्रफल काउंट होगा। यहां भी आप छू सकते हो, इसको टच कर सकते हो, दिख रहा है ये अपने को। तो वृत्त का, सिंपल वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। अब हम लिखना शुरू करते हैं इनके फॉर्मूले, उसके हिसाब से जिन जिन चीजों की जरूरत होगी उसमें अभी बना लेंगे हम लोग। तो सबसे पहले तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πRL। और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? वो होता है πR² अब बस आपको यहां पर R तो कॉमन ही मिल जाएगा, पाई कॉमन ही मिल जाएगा, बहुत कम कैलकुलेशन बचेगी। पाई कॉमन है, R कॉमन है, क्या बचा यहां पर? 2 बचा, H बचा, इधर पाई और R चला गया, क्या बचा? L बचा, पाई आ गया बाहर, R आ गया बाहर, एक R बचा, बस इतना ही काम है, ठीक है। अब मान रख दो बस जितने भी हैं H, R, L जो भी है उनके मान कैसे निकलेंगे। इसने बोला है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगी 2.4 सेंटीमीटर ऊंचाई, ठीक है। व्यास है 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर व्यास है, मतलब ये टोटल है, इसका आधा करोगे तो त्रिज्या मिलेगी। तो त्रिज्या कितनी आएगी? R बराबर 1.4 बटे 2 इसका आधा, जो कि 0.7 आएगा। इतना सेंटीमीटर हमारे को त्रिज्या मिल गई। तो ये आप यहां पर लिख सकते हो कि भाई यहां से लेकर के यहां तक का जो पोर्शन है वो है 0.7 सेंटीमीटर का, ठीक है। त्रिज्या हमें मिल गई, R मिल गई, हाइट H मिल गई, R और H तो मिल ही गया, अपने को किसकी जरूरत है? L की। L कैसे निकाली जाती है? L होती है ये त्रिज्या ऊंचाई, ये L, ये टेढ़ी वाली। और L निकालने के लिए फॉर्मूला आपको पता है, शंकु में L निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? ये H होता है शंकु में, ये 90 डिग्री, ये R होता है। तो शंकु में L निकालने का सूत्र L स्क्वायर बराबर होता है R स्क्वायर प्लस में H स्क्वायर। ये हमने बहुत बार यूज लिया है पीछे के क्वेश्चंस में, तो यहाँ मान रखो आप, आराम से आंसर आ जाएगा। तो R स्क्वायर मतलब 0.7 का स्क्वायर, 0.7 का स्क्वायर कर दिया। एच स्क्वायर मतलब 2.4 का स्क्वायर। इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है थोड़ी भाई, कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखना। तो 0.7 का स्क्वायर होता है 0.49, आप करके देख लेना, 0.7 को 0.7 से गुणा और 2.4 को 2.4 से गुणा करोगे तो ये आएगा 5.76। दोनों का अगर आप टोटल करते हो तो टोटल आपका बनता है 6.25। और ये हमारा एल स्क्वायर का मान चल रहा है, एल स्क्वायर का, तो एल आ जाएगा अंडर रूट में 6.25, जो कि आएगा 2.5 सेंटीमीटर। इसका अंडर रूट निकालोगे तो 2.5 सेंटीमीटर, 25 का स्क्वायर होता है ना 625, तो इसका अंडर रूट 2.5 आ जाएगा पॉइंट्स के हिसाब से अगर चले तो। तो एल हमने आसानी से मिल गई, फिर भी कैलकुलेशन कंपैरेटिवली कम ही है, मैंने तो सोचा था ज्यादा होगी, इसमें काफी कम निकली है। तो एल आपके पास है, आर आपके पास है, एच आपके पास है, मान रख दो, काम खत्म, करना ही कुछ नहीं। और आसान क्वेश्चन हैं, अगर आप डायग्राम समझ पाओगे ना, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। पाई का मान रखो 22/7, आर का मान 0.7, 2H, 2H का मतलब इसका डबल, H कितना है 2.4, इसका डबल करना है, तो 2 × 2.4 प्लस में L, L का मतलब है 2.5 प्लस में R, R का मतलब है 0.7, क्लियर। आप कितना बने गए, ये आप पॉइंट हटाओ और नीचे एक जीरो लगा दो, तो यहां से ये तो आपका कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 22 और बटे में 10 और गुणा में 2.4 गुणा 2 हो गया 4.8, 24 × 48 के हिसाब से, प्लस में ये 2.5 है, प्लस में 0.7 है, इन सबको जोड़ लो सिंपल में, कितना आएगा देखो, 22/10 गुणा में ये आ रहा है 8 के बराबर,
तो ये हो जाएगा 22 गुणा 8 होता है 176, 176 बटे 10 अगर आप करते हो तो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। लेकिन उसने बोला है कि भाई निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो इसके निकटतम अगर आप निकालोगे तो लगभग लगभग आप इसको 18 सेंटीमीटर स्क्वायर कह सकते हो, निकटतम के हिसाब से 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आप कह सकते हो, ये इसका आंसर आएगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, अभी तक जितने क्वेश्चन आए हैं उनमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लो इसमें। स्पेशल बात ये थी कि वर्ग का क्षेत्रफल इसमें जोड़ना है, ज्यादातर लोगों को इसका ध्यान नहीं रहता है, थोड़ा ध्यान से इसको करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगाओ इसके, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, एट्थ के बाद लास्ट नंबर बचा है अपना तो नाइन्थ वाला, देखो वो भी खत्म करते हैं अपन। पिछले क्वेश्चन की तरह ही क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। लकड़ी का एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, ठोस बेलन था, जैसे ये बेलन है ठोस था, भरा हुआ था, जैसे लकड़ी का पेड़ का तना होता है ना लकड़ी का, एकदम ठोस, उस तरह से गोला रखा हुआ है, इसको खोदा। पिछले वाले क्वेश्चन में शंकु बनाया था, इस वाले क्वेश्चन में खोद करके यहां से खोदते गए लकड़ी को, चीरते गए और अर्धगोला बना दिया, ऊपर की तरफ भी अर्धगोला बना दिया यूं, और खोदते खोदते नीचे की तरफ भी अर्धगोला बना दिया यूं, तो दोनों तरफ अर्धगोले बने हुए हैं इसमें। आप अगर ध्यान दो तो इस तरफ भी अर्धगोला बना हुआ है और इस तरफ भी अर्धगोला बना हुआ है, इस तरह की आकृति है ये, यूं रखी हुई है, ये यूं शो रखी है कि यहां से अर्धगोला खोद करके निकाला, यहां से भी अर्धगोला खोद करके निकाला, इस तरह का डायग्राम बन गया, अंदर से ठोस है बेलन और इधर अर्धगोला है, इधर अर्धगोला है, इस तरह का शेप दिख रहा है आपको। तो क्या क्या पृष्ठ आपको दिख रहा है, क्या क्या पृष्ठ दिख रहा है, एक तो ये बेलन का वक्र पृष्ठ आपको दिख रहा है जो हम निकाल लेंगे, ये आपको इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ दिख रहा है, ऊपर ऊपर से वक्र पृष्ठ ये, और इधर इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ आपको दिख रहा है, तो दोनों तरफ आपको अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ दिख रहा है और साथ में बीच में इस बेलन का वक्र पृष्ठ दिख रहा है। तो यहां पर क्या आप लिखोगे, तीन चीजें हैं, बेलन का वक्र पृष्ठ, ऊपर वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और नीचे वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, ये है ओवरऑल कितना वक्र पृष्ठ आपको उस वस्तु का दिख रहा है, वो है ये। अब आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है, यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, मैं लिख देता हूं इसको कि भाई बेलन की ऊंचाई हम 10 सेंटीमीटर मान रहे हैं यहां पर, और जो आधार की त्रिज्या है वो 3.5 सेंटीमीटर है, मतलब ये यहां से लेकर के यहां तक 3.5 सेंटीमीटर बताई गई है। ठीक है, हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो तीन हिस्सों में मैंने बताया है आपको, तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, वो आएगा देखो, एक तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरे वाले भी अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, दूसरे वाले का भी क्या बनेगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh, अर्धगोले का होता है 2πr2, फिर से अर्धगोला तो 2πr2, इन दोनों को आप टोटल कर लो, 2πr2 होता है 4πr2, तो ये बन जाएगा 2πrh प्लस में 4πr2, जो कि आंसर आएगा 2πr कॉमन, ये बनेगा h प्लस में 2πr कॉमन आ गया, तो यहां बचा 2, ये r, क्या बनेगा 2 × 22/7 × r, r means 3.5 into h means 10 प्लस में 2r, तो 2 into r का मतलब हो जाएगा 3.5, ये है फाइनल, कितना बनेगा भाई, यहां से पॉइंट हटा लो, नीचे जीरो लगा लो और 7 से 5 बार 35 कट गया, कितना बन गया, और एक काम हो सकता है अभी तो, वैसे 5
से ये काटोगे दो बार और दो से ये कट रहा है पूरा का पूरा, बचा कितना यहाँ 22 बचा यहाँ पर, गुणा में 10 प्लस 3.5 का डबल होता है 7, तो एक तरीके से 22 गुणा 17 बन गया और 22 गुणा 17 आता है 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में ये, हाँ 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका फाइनल आंसर आएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, यूं खट्टा करके निकालने में उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी काउंट होता है, मेन बात बस यही है क्योंकि वो दिख रहा है, जो चीज दिख रही है ना, जो दिखता है वही बिकता है ना, तो वही बात है, जो दिखता है वही यहाँ काउंट हो जाता है, सिंपल सी गणित है। तो ये प्रश्नावली हमने 13.1 तो कंप्लीट कर ली है, आपको मुझे पूरी उम्मीद है कि समझ आ गई होगी क्योंकि मैंने मॉडल्स के थ्रू मैक्सिमम कोशिश करी है कि आपको प्रैक्टिकली फील हो कि क्या चल रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो फिर इतना मुश्किल नहीं होता, मेरे लिए क्वेश्चन समझ में आना चाहिए एग्जैक्ट क्या चीज है। फिर भी आपको कोई डाउट आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, अगले वीडियो में हम लोग 13.2 प्रश्नावली के उदाहरण स्टार्ट कर लेंगे और फिर प्रश्नावली इसी तरह से आगे बढ़ेगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।